नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबरेवाल आकाश। डायनामाइट न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज आपका स्वागत है। इस सप्ताह हमारे खास मेहमान हैं भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर एस वाई कुरैशी। 11 जून 1947 को जन्मे डॉक्टर कुरैशी 1971 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर हैं। 45 साल से ज़्यादा का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले डॉक्टर कुरैशी ने हरियाणा और केंद्र की सरकारों में तमाम पदों पर काम किया है, लेकिन इनको असली पहचान मिली देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। डॉक्टर कुरैशी 2006 से 2010 तक भारत के निर्वाचन आयुक्त रहे, फिर 2 साल तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कमान भी इन्होंने संभाली। इस दौरान इन्होंने यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव शानदार तरीके से करवाए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में शिकायत मिलने पर इन्होंने चुनाव तक रद्द करने का कठोर फैसला किया, जो देश के इतिहास में पहली बार हुआ। देश भर में हर साल 25 जनवरी को आयोजित होने वाला राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इन्हीं की सोच का नतीजा है। भारत में चुनाव सुधारों को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, इस विषय पर आज हम डॉक्टर कुरैशी से बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुरैशी, डायनामाइट न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है, भारत में चुनाव सुधारों की लंबे समय से कवायद चली आ रही है। हर समय इसकी बात होती है, सेमिनार में जहाँ कहीं जाइए कोई विशिष्ट लोग मिलते हैं, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त मिलते हैं, राजनेता, सभी लोग चुनाव सुधारों की बात जरूर करते हैं, लेकिन ठोस पहल आज तक नहीं हो पाई, ठोस नतीजा नहीं निकल पाया, क्यों? मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो हमारे प्रस्ताव थे, जो पिछले 20 साल में कितने हम भेज चुके हैं, उसको सीरियसली नहीं लिया, परवाही नहीं की, लापरवाही की, और उसका नतीजा हम देखते हैं कि आज या तो सुप्रीम कोर्ट बीच में कूदती है और फिर जब ऑर्डर देती है तो पॉलिटिकल पार्टी को बुरा लगता है कि खुद उन्होंने कुछ करना नहीं, दूसरा कोई कर रहा है तो उसके ऊपर फिर एतराज़ करना, ये एक बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि अब प्रधानमंत्री जी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म की पहली बार बात की है, खुद पहल की है कि जी वो होने का टाइम आ गया है, तो शायद एक अच्छा एक पॉसिबिलिटी है कि शायद अब हो जाए। आपको तो लंबा अनुभव है, 2006 से लेकर आप लगातार जो है 4 साल जो है निर्वाचन आयुक्त रहे, फिर 2 साल मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। आपके हिसाब से वर्तमान परिवेश में हम देखें तो क्या वाकई में मूल ज़रूरतें हैं चुनाव सुधार के लिए? देखिए, चुनाव सुधार के तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन आजकल जो सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट गर्मा गया है वो पॉलिटिकल फाइनेंस का है, जो पैसे का इस्तेमाल होता है। ये देखा गया कि देश में बड़ी करप्शन है और उस करप्शन का जो रूट है वो इलेक्शन से शुरू होता है कि जब कोई कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी करोड़ों रुपए खर्च करती है एक इलेक्शन पे, तो पावर में आते ही फिर वो चंदा जमा करना शुरू करते हैं। किस किस तरीके से करते हैं वो अब सबको मालूम है, कॉरपोरेट से लेंगे कि किसी क्राइम माफिया से लेंगे, रियल एस्टेट वालों से लेंगे, और कोई मुफ्त में तो कोई पैसे देता नहीं, उसके बदले उसको कुछ तो चाहिए, वो लाइसेंस लेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेगा, पोस्टिंग ट्रांसफ़र कराएगा और 10 बेईमानियों में सरकार की मदद लेगा, क्रोनी कैपिटलिज्म का टॉपिक बन जाता है। तो इसलिए उस सुधार को सबसे पहले हमें सोचना चाहिए और मैं समझता हूँ उसका टाइम तो खास तौर से आ गया, क्योंकि आजकल का डिबेट का तो विषय ही यही हो गया है। लेकिन यह कैसे संभव होगा? देशवासी मांग करते हैं कि राजनीतिक दलों को भी जो है जो चुनावी चंदा मिलता है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, लेकिन यहाँ तो एक हर जगह एक छेद बना हुआ है कि उससे बच निकलो, 20,000 रुपये से ऊपर की ही जो है डिस्क्लोज करनी होगी राजनीतिक दलों को, यानी कि 20,000 से नीचे का जो चुनावी चंदा मिलता है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये इसके ऊपर भी कई साल से इलेक्शन कमीशन कहते रही है कि जो 20,000 से ऊपर तो चेक से देना ही पड़ता है, फिर कई हमने ये देखा गया है कुछ लोग 1 करोड़ देना है तो 19,000 के चेक बना बना के दे दिया या कैश दे दिया, उसका कोई हिसाब ही नहीं। तो एक डिमांड थी हमारी कि 1 साल में कोई भी एक इंडिविजुअल या कंपनी कितना देती है उसको क्लब किया जाए, उसके बाद देखा जाए, अगर वो 20,000 के ऊपर बनता है तो और कैश तो दिया गया है तो उसको पकड़ा जाए, अदरवाइज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो खर्चा करती हैं उस पर तो कोई कैप ही नहीं है।
कैंडिडेट के ऊपर तो एक लिमिट है कि विधानसभा के लिए जैसे आजकल है 28 लाख रुपए और लोकसभा के लिए 70 लाख रुपए, लेकिन उसी कैंडिडेट के लिए पॉलिटिकल पार्टी उसकी 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। अब वो उसे एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है और पैसे का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे बड़ा रिफॉर्म तो हम ये चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज पे जो कोई प्रतिबंध नहीं है, उनकी लिमिट के ऊपर कोई सीलिंग नहीं है, उसको फौरन लगाया जाए ताकि कैंडिडेट और पार्टी दोनों के ऊपर सीलिंग हो। और जितने भी चंदे हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि 20,000 के बजाय उस लिमिट को, कैश लिमिट को 2,000 कर दिया जाए। बहुत अच्छा सुझाव है, सपोर्ट करता मैं उसको, लेकिन मैं तो उसको एक कदम और आगे लेके जाना चाहूँगा कि आज के ज़माने में जब एक सब्ज़ी वाला और पान वाला और रिक्शा वाला वो भी सारी ट्रांजैक्शन कैशलेस कर रहा है और अपने कार्ड वार्ड से करता है, पेटीएम टाइप की ई वॉलेट से या जो जो तरीके हैं उनसे करता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट क्यों हो? पॉलिटिकल पार्टीज को तो खुद बल्कि दे शुड लीड बाय एग्जांपल, उन्हें तो खुद मॉडल बनना चाहिए। तो सबके लिए रूल बराबर होने चाहिए, ये इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं खुद ईमानदार इस मामले में नहीं हैं। सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपने आप को बचाती हैं, चाहे वो चुनावी चंदे की बात करें या राजनीतिक दलों को आरटीआई के एम्बिट में नहीं लाना, आरटीआई के दायरे में। आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ट्रांसपेरेंसी चाहती नहीं हैं, और चूँकि सभी पार्टीज का ही ये तकरीबन रोल है तकरीबन, तो वो इसको होने नहीं देती। सरकार ये कहती है कि साहब उस पर एक कंसेंसस नहीं हो रहा। अब हर चीज़ के लिए सरकार कंसेंसस की बात भी नहीं करती, जिसके पास मेजॉरिटी है उसको कर भी कर सकता है। अगर इनसे पूछा जाए कि भाई ये क्या पार्टीज़ को ईमानदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कौन पार्टी कहेगी कि नहीं जी हमें बेईमान होना चाहिए। लेकिन इसको कोई इनिशिएटिव सरकार नहीं लेती इस बहाने कि भाई जो आपस में इनमें कोई तालमेल नहीं हो पा रहा, एक कंसेंसस नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि राजनीतिक दल यह सोचते हैं कि मुझे छोड़कर बाकी सब ईमानदार रहें। बहुत ठीक बात आपने कही, बहुत ही ठीक बात कही कि जी और सब बेईमान है, मैं ईमानदार हूँ, ये ही एक रूल होता है, ये समझ के चलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। डॉक्टर कुरैशी, आपका 45 साल लंबा प्रशासनिक अनुभव है। हरियाणा में भी आप बतौर अफसर जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण पदों पर तैनात रहे, फिर मैंने देखा भारत सरकार में भी आप तमाम पदों पर सचिव स्तर पर रहे। इस समय देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है नोटबंदी को लेकर, डिमोनेटाइजेशन को लेकर। क्या आपको लगता है कि जो यूपी और पंजाब सहित 5 राज्यों में भी जो इलेक्शन आने वाले हैं, इसका नोटबंदी से कोई लेना देना है, कोई असर पड़ेगा प्रत्याशियों पर? जी मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि और तो इसके क्या समस्याएं हैं उस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता, उस पर तो पूरा देश डिबेट कर ही रहा है। लेकिन जहाँ तक इन 5 राज्यों के इलेक्शन का सवाल है, उस पर तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पड़ना चाहिए, क्योंकि ये ज़माना है कि जब लोगों को पैसा बांटा जाता है। पैसा तो एक्चुअली इलेक्शन से 2-4 दिन पहले बांटा जाता था, लेकिन जब से हमने पकड़ दकड़ शुरू की, मेरे वक्त में हमने एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न बनाई थी और नई गाइडलाइन बनाई थी, और हमने पैसे की पकड़ दकड़ शुरू की और आज तक 1,000-1,500 करोड़ रुपये पकड़ चुके हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना जो तरीका कार है उसको चेंज कर लिया। अब मॉडल कोड आने से पहले पहले ये पैसा पहुँच जाना चाहिए गाँव में। तो अब चूँकि इलेक्शन जल्दी अनाउंस होने वाला है, मॉडल कोड शुरू हो जाएगा, उस वक्त तो पैसे की मूवमेंट 1,000-1,000 रुपए की भी पकड़ दकड़ हो सकेगी, इसलिए पहले से पैसा की मूवमेंट शुरू हो गई थी। तो उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा ये टाइम है, उस पे ज़रूर अच्छा असर पड़ेगा। वो पैसा गांव तक नहीं पहुंच पाएगा जो बांटने के लिए जा रहा था, रिश्वत देने के लिए जा रहा था, या जितना जा रहा था उतना न जा पाएगा। काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। हमने देखा कि 2012 में जब आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उस समय 2 स्टेट बहुत क्रूशियल थे, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और पंजाब की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ दिनों बाद चुनाव होगा। चुनाव आयोग अभी तैयारी कर रहा है, 2012 में आपने काफ़ी नज़दीक से देखा, चुनाव कराया शानदार तरीके से। 2017 आ गया है, क्या आप देखते हैं कि इन 5 साल में किस तरह का बदलाव आया होगा, और किस तरह की आप सलाह देना चाहेंगे चुनाव आयोग को या पॉलिटिकल पार्टीज को कि चुनाव पीसफुल हो?
ठीक है, चुनाव आयोग को तो मैंने क्या सुझाव देना है, चुनाव आयोग बहुत वाइज लोगों की कमीशन है, उसमें हमारे तीनों कमिश्नर भी बहुत एक से एक अच्छे हैं, हमारे सारे ऑफिसर्स भी बड़े चुने हुए होते हैं और बहुत सूझबूझ वाले होते हैं। यही वजह है कि साला साल से इलेक्शन कमीशन की इमेज जो है सुधरती ही चली जा रही है, जिस लाइन पे वो चल रहे हैं वो ठीक ही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मॉडल कोड की जो पालना है वो बिल्कुल लेटर और स्पिरिट बल्कि दिल से भी करनी चाहिए। उसकी जो मोटी मोटी बातें कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पावर का और अपने जो फैसिलिटीज़ है उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। वैसे तो मॉडल कोड जब लागू होगा तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर हावी हो ही जाएगी, और जो हेट स्पीच है वो उस पर बिल्कुल चेक रहना चाहिए। काफ़ी पहले के मुकाबले में हेट स्पीच पे कंट्रोल है, इक्का दुक्का ही उसकी वायलेशंस होती हैं लेकिन वो माहौल को ख़राब करने के लिए बहुत काफ़ी होती हैं। तो हेट स्पीच पे कंट्रोल रहे, रिलीजन कास्ट फैक्टर्स पे पूरा कंट्रोल रहे, रिलीजन के नाम से कास्ट के नाम से वोटर से अपील ना की जाए, यही बस मेरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवाइस होगी। उत्तर प्रदेश में एक विधायक हैं उर्मिलेश यादव, इनका भी आपने चुनाव रद्द किया। हम आपको याद करते हैं टीएनसी सर के बाद कठोर फैसले लेने के लिए, चाहे बात झारखंड का राज्यसभा चुनाव की शिकायत के बाद आपने रद्द कर दिया या फिर यूपी का, क्या था वो यूपी के विधायक का मामला? जी, एक तो सेशन साहब से कंपेयर कर रहे हैं, ये तो आपकी बड़े इनायत है, लेकिन सेशन साहब के मुकाबले का तो कोई हो ही नहीं सकता, उन्होंने तो बहुत शानदार काम किया। लेकिन सभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छा ही काम करते रहे, मौके के किसके पास आते हैं उसकी बात होती है। उमलेश यादव वाला केस हमारे पास आया था, प्रेस काउंसिल ने हमको रेफ़र किया कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि दो अखबारों की, उसमें उन्होंने देखा कि एक पेड न्यूज़ के कई से उनको टकराया और उमलेश यादव ने कुछ अखबार में कुछ चीज़ें छपवाई थी जिसको अपने अकाउंट जब दिए उसमें लिखा नहीं था, तो वो पेड न्यूज़ थी और अकाउंट भी प्रॉपरली नहीं दिया, जो हमारे इलेक्शन एक्ट की उल्लंघना है। हमने उनको नोटिस दिया, हमें क्वाज़ाई जुडिशियल कार्रवाई, हमारी कोर्ट की तरह हम लोग बैठते हैं। उसके बाद हमने उनको पाया कि वाकई उनके ख़िलाफ़ तो फुल प्रूफ केस था, तो हमने उनको एमएलए थी उनको अनसीट किया, और जैसे कि कानून की रिक्वायरमेंट है 3 साल के लिए अगला इलेक्शन लड़ने से हमने उनको डिबार किया। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सिटिंग एमएलए को हमने किया, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी जब से हमने 2010 में एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न बनाई कि मनी पावर के तो हमने कमर तोड़नी है और उस बारे में जितना इनडिसिप्लिन है उसको हमने चेक करना है, तो उस स्पिरिट से हमने इसको किया था। पेड न्यूज़ और फॉल्स एफिडेविट एक बड़ी समस्या है, क्या समाधान देखते हैं? देखिए, पेड न्यूज़ तो वाकई हमारे लिए बहुत एक बड़ी अजीब सी समस्या हो गई, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस पे सभी पॉलिटिकल पार्टी सहमत है, और पेड न्यूज़ जो न्यूज़ ओनर्स हैं, न्यूज़पेपर ओनर्स या चैनल ओनर जो इसमें इंडल्ज करते हैं और काफ़ी ऐसे हैं, वो किसी को नहीं बख्शते, रूलिंग पार्टी की भी परवाह नहीं। तो इस पर तो सब एक आवाज़ होकर हमारे पास आते थे, तो इसका क्या इलाज करें, लेकिन उसको चूँकि एविडेंस होनी चाहिए, पकड़ना होना चाहिए। हमारे पास 2-3 केसेस हमारे कोर्ट में आए थे और बहुत अच्छे चल रहे थे और हमको अंदाज़ा हो गया था कि किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसको वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और फिलहाल वो अभी सुप्रीम कोर्ट में से फैसला नहीं हुआ कि वो पावर उस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की सेक्शन 10A ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में हमारे पास पावर है या नहीं, उस इशू पर वो चल पड़ा। क्योंकि अगर वो 3 केस डिसाइड हो जाए तो बहुत हाई प्रोफाइल VIP केसेस हैं वो तीनों, और उसके बाद तो ये हमेशा के लिए मसला हल हो जाना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव की हमारे यहाँ खूब बात होती है, क्या आपको लगता है कि वाकई भारतवर्ष में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं? देखिए, मैंने इस पर कई बार बोला है कि बहुत ही डिज़ायरेबल है, होना चाहिए, लेकिन करना असंभव है, असंभव नहीं तो दुश्वार बहुत है। और वो होना क्यों चाहिए, उसके जो रीज़न प्रधानमंत्री जी ने दिए या BJP मैनिफेस्टो में थे, उससे पहले आडवाणी जी ने कहा था और बहुत पहले मुझे याद पड़ता है वसंत साठे जी ने भी कहा था, तो इस तरह की डिमांड तो होती रही है। तो उसकी वजह है कि हर इलेक्शन में खर्चा बहुत होता है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा।
दूसरे जब भी इलेक्शन होता है 2-3 महीने तक चूँकि वो चलता है, तो उसमें जो नॉर्मल व्यवस्था है वो सब गड़बड़ हो जाती है। सारे दफ्तर जो हैं इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाते हैं, सारे मंत्रियों के दफ्तर तकरीबन बंद हो जाते हैं क्योंकि वो फील्ड में कैंपेन करने जाते हैं, तो फाइलें रुकती हैं, तो उस लिहाज से नॉर्मल लाइफ तो डिस्टर्ब होती है। लेकिन जो 2-3 चीज़ें जो ना पार्लियामेंट्री कमेटी ने कही ना पीएम ने कही थी, मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि हर इलेक्शन में कम्युनल और कास्ट फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं, पोलराइजेशन बहुत बढ़ जाती हैं, करप्शन बढ़ जाती है, तो बार बार इलेक्शन होगा तो बार बार करप्शन, बार बार इलेक्शन होगा तो बार बार कम्युनलिज्म और कास्टिज्म, तो ये भी उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इन चार वजह से तो अगर इलेक्शन 5 साल में एक ही बार हो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन असंभव, क्योंकि लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली कि विधानसभा की और पार्लियामेंट की जो चुनाव होता है वो तो 5 साल के लिए होता है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि चलो 5 साल में एक साथ नहीं हो सकते, तो चलो 2.5 साल में दूसरा कर दें, 5 साल में 2 इलेक्शन कर दें, तो लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ विधानसभाओं को 5 साल से घटा के 4 साल और 3 साल में छुट्टी करनी पड़ेगी, कुछ को 5 से बढ़ा के 6 साल पहली बार में 6 साल और 7 साल करना पड़ सकता है। जिस विधानसभा को आप 6 साल 7 साल करेंगे वो तो खुशी खुशी मान जाएगी, जिसको आप कहेंगे जी 5 साल के बजाय आप 4 साल में घर चले जाओ वो तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, तो फेडरल उसके प्रिंसिपल के खिलाफ है। दूसरे ये भी असंभव, देखिए आपको याद होगा वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिरी थी, तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन सपोज कीजिए शुरू हो गए और लोकसभा और 29 असेंबली एक साथ बन गई, लोकसभा 13 दिन में गिर जाती है, तो क्या 29 असेंबली भी गिराई जाएंगी, क्या होगा? दिल्ली में तो लोकसभा में तो प्रेसिडेंट रूल नाम की कोई चीज़ नहीं है कि साहब अगले 4 साल प्रेसिडेंट रूल रहेगा, तो इसलिए इसको करना आसान नहीं है, तो नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट हाई लेवल की कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के, मैं तो चाहूँगा प्रधानमंत्री जी खुद बुलाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बुलाने से जो टॉप लीडरशिप तो आती नहीं है हर पार्टी की, लेकिन पीएम के मीटिंग में तो सब आएंगे, इस पर विचार सीरियसली करें क्योंकि फ़ायदे तो पूरे हैं। हालांकि एक काउंटर पॉइंट भी बहुत है, लोग तो ये कहते हैं कि जनता को तो बार बार इलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, गरीब आदमी के तो पास कोई पावर ही नहीं है, उसके पास एक ही पावर है वोट की, तो जितनी बार उसको वोट देने का मौका मिलता है वो पावरफुल हो जाता है, लोग उसके पास मंत्री जाकर रोज हाथ जोड़ने जाते हैं, वरना 5 साल तक तो उसकी परवाह नहीं करते, कोई पूछता नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि लोकल इश्यूज़ और नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ लिंक हो जाएंगे, जो आदमी ये आप देखेंगे जो सरपंच का वो होता है इलेक्शन उसमें ज़्यादा मार काट होती है, क्योंकि लोगों के स्टेक्स ज़्यादा हैं, घर के सामने नाली बननी है, कोई स्कूल बनना है, डिस्पेंसरी बनना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होगी, आम जनता को इसमें से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना हो कि लोकल इश्यूज़ की वजह से हमारे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव गड़बड़ हो जाए, तो ये भी डिबेट में तो बात आती है। राजनीति में अपराधीकरण लंबे समय से इस पर डिबेट होती है, लेकिन वाकई आज तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया, क्या रीज़न इसका है? ये उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तकरीबन सभी पार्टी में ऐसे कैंडिडेट और ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का प्रस्ताव नहीं है, ये तो 1999 में लॉ कमीशन ने भी कहा था, लॉ कमीशन में तो ज्यूरिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, उन्होंने भी कहा था कि इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। हमारी एक दुविधा है, ये बात उस भी बात भी ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि हमारे देश का कानून है कि जब तक आप कन्विक्ट ना हो जाएं ड्यूरिंग ट्रायल तो आप इनोसेंट हैं, क्योंकि हो सकता है इनोसेंट डिक्लेयर हो जाएं, तो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप कन्विक्ट हो जाएं, उसका इलाज हमने कहा कि देखिए। और दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जी अक्सर झूठे केसेस अपोजिशन पार्टी लगा देती है, FIR फाइल कर देती है, हमने कहा छोटे मोटे केस छोड़ दीजिए, जो किसी ने कहीं एजिटेशन किया था, सेक्शन 144 की उल्लंघन की थी उस पर केस बना था उसको छोड़ दीजिए, किसी ने किसी को गाली दी थप्पड़ मारा छोड़ दीजिए, सीरियस गंभीर अपराध को तो सोचिए, रेप, डिकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, करप्शन, इस किस्म के अगर गंभीर अपराध हैं उस पर तो होना चाहिए, तो ड्यूरिंग ट्रायल, अब 20 साल तक ट्रायल है, एक मंत्री पे या एक नेता पे इल्ज़ाम है कि उसने किसी को रेप किया और 20 साल तक वो मिनिस्टर होके वो एडवांटेज रहे, अपने को बचा के भी रखे और भी रेप कर डाले,
और बेईमानी कर डाले, डकैती करता, कि कितनी कितनी केसेस हैं यूपी में। तो एक बार हुआ था कि एक ही हफ्ते में 3-4 ऐसे नेता पकड़े गए थे और कुछ तो अभी तक जेल में चले आ रहे हैं। तो ड्यूरिंग ट्रायल भी उनको वंचित कर दिया जाए इलेक्शन लड़ने से। फिर ये कह दिया जाता है, वही जो लॉ ऑफ द लैंड, कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। तो मैं उसके जवाब में काउंटर क्वेश्चन करता हूँ मनोज जी, कि आज हिंदुस्तान के देशों में तकरीबन 4 लाख कैदी हैं, उनमें से 2,70,000 अंडर ट्रायल हैं, यानी उनके केस का फैसला नहीं हुआ, यानी वो इनोसेंट हैं अभी तो, है ना। लेकिन आपने उनके चार चार फंडामेंटल राइट छीन रखे हैं, फंडामेंटल राइट, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जहाँ जाएँ, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन के जो कारोबार करें, जो जो काम वाम काम काज करें, राइट टू डिग्निटी, चार चार फंडामेंटल राइट अंडर ट्रायल इनोसेंट के अगर आप छीन सकते हैं, तो इलेक्शन लड़ना तो कोई फंडामेंटल राइट भी नहीं है, ये तो स्टैट्यूटरी राइट है। इसको कुछ दिन सस्पेंड कर दें लार्जर पब्लिक गुड के लिए, तो ये तो बड़े मुनासिब प्रपोजल है। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है डॉक्टर कुरैशी, क्या वर्तमान व्यवस्था में अपने देश में जो सिस्टम है चुनावों का, उसमें राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट पॉसिबल है? राइट टू रिकॉल एंड राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल तो पॉसिबल नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है। इसको मैंने काफ़ी इसकी मुखालफत की है कि देखो रिकॉल का जो प्रोसीजर ये होगा कि कितने लोग ये कहेंगे जी हम इस एमपी से खुश नहीं हैं, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000। अब आप अगर 5 लाख वोट लेके आए हैं और मैं 4 लाख वोट लेके हारा हूँ, तो मैं आपको के खिलाफ अनसेटल करने के लिए 5-10 हज़ार सिग्नेचर तो जमा कर ही सकता हूँ। लेकिन 5 लाख लोगों ने आपको वोट दिया, तो मेरे 5,000-10,000 सिग्नेचर्स की क्या वैल्यू है 5 लाख के मुकाबले में? या तो मैं 5 लाख के अगेंस्ट 6 लाख दस्तखत लेके आऊँ कि इनको निकालो, तब तो कोई बात भी हो। तो ये तो बिल्कुल बेकार का प्रपोजल है, इसे अनसेटल करेगा पॉलिटिक्स को और उसमें, क्योंकि कहीं भी स्थिरता राजनीति में आ नहीं पाएगी। राइट टू रिजेक्ट, इनिशियली मेरा रिएक्शन ये था कि बिल्कुल वो रिजेक्ट होना चाहिए, कि वो ठीक नहीं है। अन्ना जी और उनकी पूरी टीम मुझे मिलने उस वक्त आई थी, तो उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा मेरा रिजेक्शन का रीज़न ये था कि भाई बार बार इलेक्शन होने लग जाएंगे, और एक तरफ तो लोग इलेक्शन से थक जाते हैं जिस वजह से साइमल्टेनियस और एक साथ इलेक्शन की आप बात करते हैं, दूसरी तरफ राइट टू रिजेक्ट में आप इलेक्शन हुआ आपने सबको रिजेक्ट किया, 3 महीने बाद दूसरा इलेक्शन हुआ फिर रिजेक्ट किया, तो आप यही करते रहिए खेल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साहब आपका ये जो ख्याल है वो शायद ऐसा ना हो, क्योंकि 1-2 बार ज़रूर रिजेक्ट होंगे, उसके बाद ये सारे पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाएंगी। और उन्होंने ये बात कही कि साहब आप खुद ही कहते हो कि क्रिमिनल को लड़ने ना दो, आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन अगर जनता ने राइट टू रिजेक्ट में रिजेक्ट कर दिया तो ये क्रिमिनल को टिकट देना बंद कर देंगे। मैंने कहा ना जी, इस बात में तो आपका बड़ा बल है, दम है, चलिए इसको गौर कर लेना चाहिए, उस पर गौर किया जा सकता है। तो राइट टू रिजेक्ट, मुझे खुशी है कि उसकी तरफ एक कदम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो चुका है, कि जो नन ऑफ दी अबव नोटा जो है वो उस तरफ ही है। अभी फ़िलहाल नोटा से राइट टू रिजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि जैसे 100 लोग वोट देने आए और 99 मिले नोटा को और 1 मिले मनोज टिबरेवाल को, तो हमारे लिए मनोज टिबरेवाल इज इलेक्टेड MLA, क्योंकि यह एक वैलिड वोट है, बाकी ब्लैंक वोट हैं, नॉन वोट हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट अगर अगले उसमें या पार्लियामेंट ही खुद ये कर दे कि अगर 51% वोट आ गया नन ऑफ द अबव को या हाईएस्ट उसको आ गया, तो इलेक्शन ही वो रिजेक्ट कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल ये शायद हो ही जाएगा। चुनाव आयोग ने भी हमने देखा है केंद्र सरकार के पास एक सिफारिश भेजी है कि एक प्रत्याशी 2 जगह से चुनाव न लड़े, क्या आपको लगता है यह ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, ये क्योंकि ये पहले तो कई जगह से लड़ सकते थे, कुछ साल पहले उसको रिफॉर्म करके कह दिया गया था कि 2 से ज़्यादा नहीं लड़ सकते। इलेक्शन कमीशन का प्रस्ताव है, और जैसे कि जनता की बड़ी डिमांड है कि ये जनता के साथ खिलवाड़ होता है कि आप 2 जगह से लड़िए और उन्होंने आपको इलेक्ट भी किया और आप रिज़ाइन पहले दिन ही आप कर दीजिए, तो ये तो ज्यादती है। तो एक जगह से ही लड़ना चाहिए, और जो टॉप लीडर्स हैं इतना तो उनमें फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक जगह से लड़ेंगे जीतेंगे। हमने देखा अभी इसी लोकसभा चुनाव में 2 उदाहरण मुझे याद आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से भी लड़े, वडोदरा से भी लड़े, दोनों जगह जीते, वाराणसी रखी, वडोदरा छोड़ दिया। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को देखा, आजमगढ़ से भी लड़े, मैनपुरी से भी लड़े, दोनों जगह से जीते, आजमगढ़ सीट को रखा,
मैनपुरी छोड़ दिया। जी बिल्कुल जी, यही तो कह रहा हूँ, तो जिनको छोड़ा उस वोटर्स के साथ तो ज्यादती है। आप फिर दोबारा इलेक्शन करेंगे, फिर जो लोग अपने वोट देने के लिए आएंगे, एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी बार बार इलेक्शन से लोग दुखी हो जाते हैं, और फिर इस तरह तो बार बार इलेक्शन तो करा दिया। तो अच्छा, दूसरा फिर इलेक्शन कमीशन का प्रस्ताव ये भी है, हालांकि वो मैं समझता हूँ वो कमज़ोर है, कि कम से कम इलेक्शन कमीशन कहती है कि अगर दूसरा आप इस तरह छोड़ें तो आपके ऊपर बड़ा जुर्माना लगे कि आप, ताकि अगले इलेक्शन जो दोबारा कराना पड़ेगा कम से कम उसका खर्चा आप बर्दाश्त करें। डॉक्टर कुरैशी, आपने अपने अनुभवों के आधार पर 2014 में हमने देखी थी इलेक्शंस के ऊपर आपने एक किताब लिखी है, अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ ग्रेट इंडियन इलेक्शन, आपके द्वारा लिखी हुई है यह किताब, काफ़ी मतलब पढ़ी गई थी, और जब आपने इसकी लॉन्चिंग कराई थी दिल्ली में मौर्य सेटल में तो मैं भी गया हुआ था, तो आपने कहा था कि हम इसका हिंदी वर्जन लाएंगे, तो कब तक आप इसका हिंदी वर्जन ला रहे हैं? जी, इसका हिंदी वर्जन बड़ी जल्दी आने वाला है, नेशनल बुक ट्रस्ट उस पर काम कर रहा है, इसके तकरीबन ट्रांसलेशन पूरी हो चुकी है। कोशिश यही है कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं उनसे पहले नहीं तो उनके दौरान भी आ जाए तो एक अचीवमेंट होगी, लेकिन तैयार है, क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट इसको 6-7 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा रहा था, फिर ये हुआ फैसला कि हिंदी में पहले कर लें, उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस में भी, क्योंकि जिसका जो है जैसा इसका टाइटल है एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, कि लोग जो वोट देने जाते हैं, बटन दबाते हैं, कौन जीत के आया इतना तो मालूम है, लेकिन उसके पीछे जो कोशिश होती है, 1,10,00,000 लोग तो हमारे इलेक्शन का स्टाफ होता है, और ये सारे सरकारी कर्मचारी हैं, उन सरकारी कर्मचारियों को जिनको लोग लेजी करप्ट और क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, वही जब इलेक्शन कमीशन के अंडर में आके काम करते हैं तो कितना अच्छा इलेक्शन देते हैं कि पूरी दुनिया उसको गर्दानती है। तो ये खुद भी अपनी जगह एक अनडॉक्यूमेंटेड सी चीज़ है। तो मैंने इसकी जो ह्यूमन इंटरेस्ट की कहानियां हैं, किस तरह हमारा एक पोलिंग स्टेशन है, एक तरफ तो हमारे 83 करोड़ के करीब वोटर हैं जो 90 देशों के वोटर के बराबर है, 90 देशों के, दूसरी तरफ हमारा एक पोलिंग बूथ है सिर्फ एक ही वोटर है, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में एक टेम्पल का पुजारी है, और उसके लिए 6 आदमी की पोलिंग पार्टी जाके पोलिंग बूथ सेटअप करती है एक रात को, दिन भर उसका इंतज़ार करते हैं कि कब वो वोट देने आएगा, वोट देने के बाद भी हम 5 बजे तक बंद नहीं करते क्योंकि हो सकता है कोई आके कहे कि जी वो गल बोगस वोटर था, असल वोटर तो मैं हूँ, अब मैं आ गया हूँ, तो हम उसका इंतज़ार करते हैं। तो इतनी चूँकि हर वोट के कीमत है, महत्व है। इसके अलावा और भी कोई किताब लिख रहे हैं आप? जी, मैं 2 किताबें लिख रहा हूँ, एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म इन साउथ एशिया, और दूसरी फैमिली प्लानिंग इन इस्लाम, जो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, उस पर भी बड़े कुछ इंटरेस्टिंग मेरी फाइंडिंग्स आएंगी, आप देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल था, भारत में चुनाव जिस तरह से 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव होते हैं, इसके लिए हम लोगों को गर्व भी है, हमारी इस वोटिंग की प्रणाली को, चुनाव सिस्टम को समझने के लिए कई देशों के लोग आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत के चुनाव अधिकारी जो है, चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग, उनके देशों में जाएं प्रशिक्षण लें। इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि अब तक क्या स्थिति है इसकी। जी, ये मेरे वक्त में इशू हुआ था कि हमने देखा कि जब हमें 0 एरर इलेक्शन देना है, कि हमको 1,10,00,000 लोग हैं और गलती हमको ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं है, 100% इलेक्शन ठीक मिलना चाहिए, 99% अच्छा इलेक्शन काफ़ी नहीं है हमारे, 100% होना चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग की बड़ी अहमियत है, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो हमने कहा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं। फिर ये हुआ कि जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना ही रहे हैं, तो चूँकि बाकी देश भी हमारे इंडिया को बड़े सराहना से देखते थे, तो हमने कहा हम अपना जो नॉलेज एक्सपीरियंस है उनसे शेयर करें, अब वो वक्त आ गया कि हम अपने दरवाजे खोलें, तो हमने उनको भी इन्वाइट करना शुरू किया। शुरू में तो मुखालफत हुई कि साहब हमारा काम ये नहीं है कि उनको बुला रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर, हम कोई डिप्लोमेसी नहीं करनी, लेकिन जब ये बन गया तो 73 देश आज तक 4.5 साल में हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। देखिए, भारत के लिए कितनी गौरव की बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी तो कहते थे कि ये एक हिंदुस्तान की जो सॉफ्ट पावर है हमारा इलेक्शन, उसका इस्तेमाल है, तो कितनी लीडरशिप है कि जो लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आएंगे वो हमारी इंटेलेक्चुअल और इलेक्टोरल लीडरशिप को गर्दानते तभी तो आते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये हाथ नेक काम मेरे हाथों हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद डायनामाइट न्यूज़ से बातचीत के लिए, अपना बेहद कीमती समय निकालने के लिए डॉक्टर कुरैशी।
तो ये थे भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो डॉक्टर एस वाई कुरैशी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अब भारत में चुनाव सुधारों के लिए लगा दिया है। इनकी कोशिश है कि भारत में चुनाव सुधार एक न एक दिन होकर रहे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में। तब तक नमस्कार।